हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, आज हम 8th शेड्यूल की पूरी क्रोनोलॉजी जानेंगे, कौन कौन से लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप पर रिकॉग्नाइज की गई थी, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए और कौन कौन से लैंग्वेज ऐड हुई और आज कितनी लैंग्वेजेस हैं ना। ये पूरे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। पहला कि लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में है, तो 8th शेड्यूल में। सेकेंड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितनी लैंग्वेज थी, टोटल 14 लैंग्वेज थी जब अपना संविधान बना था, ठीक है। उसके बाद नए नए अमेंडमेंट हुए, उनमें बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐड हुई, तो आज हम जानते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। ओके, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में, जब तीन लैंग्वेज ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसका थर्ड जो अमेंडमेंट हुआ था वो लास्ट हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। तो अभी तक टोटल कितनी हो गई, 14। वो 21st में एक ऐड हुई सिंधी, 15th 71st में तीन ऐड हुई, 16th 17th 18th, ठीक है। उसके बाद 92nd में कौन सी हुई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। टोटल कितनी हो गई आपकी, 22। तो 22 लैंग्वेजेस हमारी ऐड हो चुकी हैं टोटल। तो अभी अगर कोई पूछते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में है कितनी है, 22। संविधान के समय पर कितनी थी, 40, ठीक है। लास्ट कौन सी ऐड हुई है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, 92nd में। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, पर जनरली हम रिवाइज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं, तो इन्हें मल्टीपल रिवाइज करें, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे आप जब भी देखें इसे तो रिवाइज कर पाए ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।